नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। वक्त आ गया है वजीर बनने का। बाबूजी, खून। आप बहुत ही सुंदर और सुशील हैं। आप हमको पसंद आए। मुझे उसका छोटा भाई बलदेव पसंद। बलदेव ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। हम आपको कट्टा ला के दे रहे हैं, आप हमको गोली मार दीजिए, हम मर जाएंगे लेकिन उसके साथ शादी नहीं करेंगे। मर तो तू गया मेरे लिए आज से। गालिब ने क्या खूब कहा है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। हम सब अपनी जिंदगी कई अरमानों के साथ जीते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि उन अरमानों को पूरा करके हम जिंदगी में कुछ हासिल कर सकें। लेकिन कई बार कुछ लोग अपने दिल में ऐसे अरमान दबाए रहते हैं जिनके बारे में किसी को कोई खबर नहीं होती। लेकिन क्या अपने दिल में दबे अरमानों को पूरा करने के लिए हम सारी हदें लांघ सकते हैं? क्या किसी के मन में दबा एक अरमान किसी बड़े जुर्म का कारण बन सकता है? माँ, भैया, अच्छा हुआ आप दोनों को यही मिल गए। हमने सारी इन्फॉर्मेशन निकाली, सारी तफ्तीश कर ली। देखिए, ये जो लड़के बंबई जाते हैं ना हीरो बनने के लिए, एक्टर बनने के लिए, ये लोग लाखों रुपया खर्चा कर देते हैं सिर्फ फोटो खिंचवाने में। भगवान कसम खा के कह रहे, इतना फायदा ना इस धंधे में कि आप सोच भी नहीं सकते। मुद्दे की बात बताओ। देखिए भैया, मुद्दे की बात ये है कि दर्जनों लोग ना इंतजार में बैठे हैं कि कब हम उनकी फोटो खींचने के लिए हाँ बोल दें। लेकिन उसके लिए हमको जरूरत है प्रोफेशनल कैमरे की, मतलब 2 लाख रुपए का कैमरा है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद तो जिंदगी भर छापते रहो पैसा बैठ के पास। देख भाई, इतने पैसे तो हमारे पास है नहीं, 25,000 तक दे सकता हूँ, उससे ज्यादा हमारे हाथ में नहीं। बेटा, मेरे पास ना सोने की चूड़ियां है जो टूट गई है, तुम ले लो उसे, बाकी का हम दे देते हैं। तुम दोनों फिर इसकी बातों में आ गए? अब तक के 10 बिजनेस कर चुका है ये। बाबूजी, मेरी चवन्नी की एक थल्ली भी वापस नहीं है। अरे एक बार इसकी बात तो सुन लीजिए आप। चुप रहो। अब खबरदार, इसके ऑल फॉर बिजनेस में इसकी मदद करने की कोशिश की तो सोचना भी नहीं। चलो अशोक, चलो। और तुम, राशन की दुकान पे ट्रक आने वाला है, हाँ? चलो दुकान में राशन खाली करवाओ। हट 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 हट। बाबू जी, हम जरा 2 मिनट में आते हैं। जा, 2 घंटा नहीं लगा देना, जा। अबे यार, अपनी ही दुकान पर मजदूरी करते हो तुम, कौन समझेगा तुम उस दुकान के मालिक को? एक बार हमको बिजनेस के लिए पैसा तो मिलने दो, तो ऐसा गायब होंगे ना, दिखाई नहीं पड़ेंगे हम। अबे मिलन, रोज रोज नई बाइक लाते कहाँ से होते तुम? भैया, हमारे दोस्त हैं गोपी और करण, ये बताओ काम क्या है? कर लेंगे। आज तो छोड़ूंगा नहीं, बड़ी मरानी बनी फिरती है तू। बताती हूं मुझे भाई। रुको, क्या चल रहा है यहाँ? और ये रिमोट किसने तोड़ा? सविता ने तोड़ा पापा। हाँ, मैंने तोड़ा है रिमोट। अरे मेरे शो का स्पेशल एपिसोड आ रहा था और इसने जानबूझ के आके चैनल चेंज कर दिया। 10 दिन पुराने मैच के हाईलाइट देखने लगा। जा, जाके तैयार हो जा, लड़के वाले के घर जाना है। बलदेव। हाँ भाई। कैसा कोल्ड ड्रिंक ले आया, ठंडा है नहीं? कहाँ से लाए? गुप्ता जी, कहाँ से लाए? कितनी बार कहा हेमंत की दुकान से ले लिया था। अब जा इसको ठंडा कर लिया, बर्फ और डाल इसमें। बहन जी, चलिए आपको घर दिखाते हैं, तब तक बच्चे आपस में कुछ बातें कर लें। जी जी, आइए आइए। हाँ जी, हाँ जी।
आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकती हैं। आप बहुत ही सुंदर और सुशील हैं। आप हमको पसंद आए, क्या हम आपको पसंद हैं? बेटा तुमको कैसा लगा? लगता ठीक वैसा ही जैसा मैंने सोचा था। मुझे तो इतना अच्छा लगा कि मैंने पहली नजर में उसे अपना पति मान लिया। अरे वाह, अशोक ने तो जादू ही कर दिया अपनी बिटिया पे। अशोक नहीं, मुझे उसका छोटा भाई बलदेव पसंद। शटर आधा खुला क्यों है? देख खोल पूरा उसको। पता नहीं बाबूजी। और अशोक है कि नहीं? देख अंदर, देखो जरा कहाँ है अशोक। और ये पूरा, ये भी अभी तक आया नहीं है। सब ये मेरा बेटा अशोक है। रात में दुकान पे आया था ट्रक खाली करवाने के लिए, फिर यही रुक गया। और सुबह जब हम लोग यहाँ पर आके देखो तो ये सर, वैसे तो हम और भैया दोनों साथ में रोज आते हैं राशन का ट्रक खाली करवाने के लिए, लेकिन कल हम नहीं आए, भैया अकेले ही आए थे। और अगर देर होती है तो हम लोग यहीं सो जाते थे। अकेले साथ में तुम क्यों नहीं आए? हमारे सर में दर्द हो गया था तो भैया बोले कि तुम आराम करो, हम चले जाते। अशोक की किसी से कोई दुश्मनी थी या हाल फिलहाल में किसी के साथ अनबन हुई हो या फैमिली में कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, भैया के साथ किसी के साथ दुश्मनी मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता है। बहुत ही सीधे साधे इंसान थे। फैमिली में सब एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं सर, तो मन मुटाव का तो मतलब ही नहीं बनता है। इन दिनों कुछ नोटिस किया था आपने, कुछ अजीब सा नोटिस? सर एक चीज हमको आज बहुत खटकी है। हमारा एक नौकर है भूरा, रोज 6-7 बजे तक आ जाता था, लेकिन आज वो आया नहीं सर। और हम उसको फोन किए थे तो उसका नंबर भी बंद आ रहा है। और गले से 1,00,000 रुपये भी गायब। सर हमने दुकान की अच्छे से तलाशी ली है, गल्ला भी खुला है और अशोक का पर्स भी खाली है। तो सर शायद ये हत्या चोरी या लूटपाट के इरादे से की गई है। बाबू जी जा यहाँ से, सब तेरी वजह से हुआ। तू उस दिन दुकान पे चला जाता तो ये सब नहीं होता। जा। अशोक की अचानक हुई हत्या ने सबको चौंका दिया। क्या वाकई अशोक का कत्ल महज एक चोरी या लूटपाट का केस था या फिर हत्या की असली वजह इन सब से अलग और बड़ी थी? आखिर दुकान में काम करने वाला मजदूर भूरा कहाँ था? क्या अशोक की हत्या के पीछे उसी का हाथ था? पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। सर ये उस ट्रक का क्लीनर जिसने कल रात को अशोक की दुकान पे ट्रक खाली किया था। कितने बजे आए थे तुम लोग वहाँ? सर 11 बजे के आसपास। अच्छा तुमने कुछ देखा था, कोई आया गया था वहाँ? नहीं सर कुछ देखा तो नहीं, लेकिन अशोक सर बहुत परेशान थे, फोन पे बात कर रहे थे। और रो भी रहे थे सर। अच्छा उनकी दुकान पे जो नौकर काम करता है भूरा, वो था क्या वहाँ पे? नहीं सर उनको काम नहीं देखा। बाहर अपनी डिटेल लिखवा के जाओ और हाँ शहर से बाहर जाने की कोशिश मत करना। अरे कितना टाइम लगा था चाय के लिए तू? सुबह बोलो शाम को आने लगा है, जल्दी काम किया कर थोड़ा। भूरा हमको भी चाय देना यार। चाय चाहिए तो खुदा कर ले लो, हम कोई नौकर नहीं है तेरे, समझे? क्या बक रहा है भूरा? अरे क्या अशोक भैया खुद तो सुनते नहीं हो इसकी, थोड़ा हमने क्या बोल दिया तो गुस्सा आ गया आपको। ठीक है जा सकते हो। सर कहीं अशोक की भूरा से दुश्मनी का नतीजा तो नहीं है? क्योंकि भूरा घात लगा के बैठा है कि कब अशोक उसके अकेले हाथ लगे और वो अपना बदला ले ले। वर्मा फिलहाल शक की सुई भूरा की तरफ इशारा करती है। गले से 1,00,000 रुपए चोरी हुआ और भूरा जैसे मजदूर के लिए ये बहुत बड़ी रकम। कत्ल से पहले अशोक किसी से रो रो कर बात कर रहा था, क्या भूरा का इसमें कोई हाथ है या भूरा की आड़ में कोई और ही खेल खेल रहा है? अशोक के पिता नंद किशोर थे, भूरा की फोटो लेकर अपने नेटवर्क को एक्टिवेट करते।
और हाँ, अशोक के कॉल रिकॉर्ड के बारे में कुछ पता चला? सर 2 बजे तक मिल जाएगा। सर, ये अशोक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, रिपोर्ट से पता चला है कि अशोक के सर पर किसी भारी चीज से कई बार वार किए गए। और सर, ये अशोक के कॉल रिकॉर्ड्स। सर, कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक जिस रात को अशोक का मर्डर हुआ था, उस रात को अशोक ने इस नंबर पर काफी देर तक बातें की थी। ये नंबर किसी सविता त्रिपाठी के नाम पर रजिस्टर्ड है। और सर, एक इंटरेस्टिंग बात और है, इस सविता त्रिपाठी से बलदेव भी बातें करता था। वर्मा, टेम्पो के क्लीनर ने हमसे कहा था कि अशोक किसी से फोन पे बातें करते हुए रो रहा था। हो सकता है ये लड़की वही है। लेकिन सर, अशोक के रोने की वजह क्या होगी? इस बात को जानने के लिए ये जानना जरूरी है कि अशोक का सविता के साथ चल क्या रहा है। सब हमारी बेटी का रिश्ता पक्का करने के लिए अशोक के घर गए थे, मगर हमारी बेटी को अशोक की जगह उसका भाई बलदेव भाग गया। अशोक नहीं, मुझे उसका छोटा भाई बलदेव पसंद। अपनी बेटी की खुशी पूरी करने के लिए हमने उन लोगों से बलदेव और सविता की शादी की बात की, पर वो लोग माने नहीं। अशोक मुझसे प्यार करने लगा था, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ बलदेव के लिए जगह थी, इसीलिए मैंने अशोक से शादी करने के लिए मना कर दिया था। लेकिन अशोक मुझे कॉल करता रहता था और उस रात भी मेरी उससे बात हुई थी। सविता, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम बलदेव की शक्ल देख तुझसे प्यार करने, पर तुम हमारा दिल नहीं समझ पाए। हम तुमसे जितना प्यार करते हैं, दुनिया में किसी से नहीं करते। मतलब तुम्हारे और बलदेव के बीच में कुछ चल रहा था? मेरे और बलदेव के बीच में कुछ नहीं चल रहा था। बलदेव मेरे साथ मेरे कॉलेज में पढ़ता था और उसके बाद सीधा उस दिन उसके घर पे मुलाकात हुई। लेकिन तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स में बलदेव को भी कॉल किए गए। हाँ, तो मैंने उसे 1-2 बार कॉल किए थे, वो कभी जवाब देता था कभी नहीं देता था। वर्मा, जिस तरह से तुम बता रहे हो, उससे तो ऐसा लगता है कि सविता की पूरी फैमिली के कॉल रिकॉर्ड चेक करने, सविता और बलदेव की हिस्ट्री चेक करनी होगी। कुछ तो ऐसा है जो हमसे छुपाया जा रहा है। कहीं ये लड़की सविता दोनों भाइयों के साथ कोई गेम तो नहीं खेली? इस बुरा के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, लेकिन हमारी एक टीम उसे खोजने में लगी हुई है। इसे अशोक के मर्डर केस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे दी। बैठो, क्या जानते हैं उस केस के बारे में? सर, हमारा नाम शिवा है। अशोक हमारे भाई लगते थे, चचेरे भाई। हम अशोक भैया और चाचा जी के साथ उन्हीं की दुकान पे काम करते थे। कुछ काम था तो दिल्ली गए थे। दरअसल ये दुकान हमारे पिताजी की थी। उनके देहांत के बाद अशोक भैया और चाचा जी ने इसको संभाला है। सिर्फ एक इंसान है जिसके हाथ में कुछ भी नहीं था। कौन है वो इंसान? बलदेव। बलदेव एक नंबर का कामचोर है साहब। हर बार नया बिजनेस खोलने के चक्कर में चाची से, चाचा से, भैया से सबसे पैसे अटता था और उन्हीं पैसों से अपने दोस्तों के साथ अयाशियां किया करता था। पूरी बात बताओ। अभी हाल ही में उसके दिमाग पे ना फोटोग्राफी करने का भूत सवार हो गया था, इसीलिए अपने दोस्तों को पैसा देकर दुकान पे तारीफ करने के लिए भेजता था। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। अंकल जी, बलदेव भैया हैं क्या? नहीं है, क्या काम? अंकल जी, बलदेव भैया मिले ना तो उनसे कहिएगा कि जैसे उनका नया कैमरा आता है ना, सबसे पहले मेरी फोटो खींचे। अंकल, क्या है ना कि कॉलेज के सारे लड़के और लड़कियां सिर्फ और सिर्फ भैया से फोटो खिंचवाना चाहते हैं। बेटा, एक काम करो जी, उसको लेके ना अपने घर चले जाओ, वहाँ उसको पालो पोसो, जो करना है करो, और इसके बाद जितनी फोटो खिंचानी है वो खिंचाओ। तुम्हारा नजर आया ना तो पीट डालेंगे। कैमरा खरीदना था, चाची और भैया से पैसे मांग रहा था, पर चाचा जी ने साफ इनकार कर दिया। इसीलिए बलदेव ने एक दिन आपको जो सोचना है सोचिए, लेकिन हमको हमारा हिस्सा दीजिए। चुप! बैठ रही तो बेशरम। बलदेव, पागल हो गया है? पटवारे की बात कर रहा है? आइंदा से पटवारे की बात की ना तो तुम्हारा जुबान खींच लूंगा बुद्धि से। चल जा यहां से। हमको लगता है इसी चक्कर में बलदेव ने अशोक भैया का खून कर दिया होगा।
इसके बाद तो सारा कारोबार उसी का है। ठीक है, तुम जा सकते हो। बलदेव की सारी डिटेल्स निकालो, उसका भूत भविष्य वर्तमान सब खोद डालो। सर हमारे एक बात समझ में नहीं आती, ये शिवा बलदेव के खिलाफ इतना क्यों बोल रहा है? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने पिता का बिजनेस वापस हथियाने के लिए शिवा ने ये साजिश रची? हो सकता है, इस शिवा के भी कॉन्टैक्ट्स निकलवा। ये केस सांप सीढ़ी के उस पासे की तरह हो गया जिसमें सबसे अच्छे आए नंबर भी सबसे बुरे परिणाम की ओर ले जा सकते हैं। ये बलदेव किश्ता में खुल रहा है, उठा के लाओ इसे। यस सर। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बैठने की? बाबूजी, ये मेरे बेटे की जगह है। इतनी जिम्मेदारी अगर जाती जिंदगी में दिखाई होती ना तो शादी नहीं टूटती। उठ, उठ। तेरी औकात नहीं है कि तू यहाँ बैठ सके। अशोक ने अपनी मेहनत से जगह बनाई थी, रोके गया नहीं। वो जिंदा, मर तो तू गया मेरे लिए आज से। चुप। शिवा इधर, तू इधर बैठ, बैठ बेटा बैठ। आज से ये जगह तेरी, पूरा दिल लगाकर मेहनत करना बेटा। हम दिल लगा के मेहनत करेंगे, हमको मौका दे। और किसी भी निकम्मे को यहाँ बैठने नहीं देना। जिस तरह अशोक ने अपनी जिम्मेदारी के साथ अपना फर्ज निभाया था, तू भी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना फर्ज निभाना यहाँ बैठ के। एक दिन खुद ही बाबूजी तुमको इस कुर्सी पे बैठाएंगे और उनको तुम पे गर्व होगा। पर यूं हर बार बिजनेस खोलना बंद करना, ये बात बाबूजी को खटक चुकी है। आइंदा जब भी बिजनेस खोलना हो तो हमको बताया, हमारे पास जो कुछ भी है सब तुम्हारा ही तो है। सविता के साथ तुम्हारा क्या मामला है? सर सविता के साथ हमारा कोई मामला नहीं है। सविता की शादी होने वाली थी अशोक भैया से, फिर उस लड़की को हमारे अंदर पता नहीं क्या दिख गया कि जिद पकड़ के बैठ गए कि हम इसे शादी करेंगे। हमारे बाबूजी ने तो शादी से एकदम इनकार कर दिया। सविता के पिताजी ने हमको 2-3 बार कॉल किया कि सविता से शादी कर लो, पर हमने मना कर दिया। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा भाई अशोक सविता से बहुत प्यार करता था? नहीं सर, इस बारे में हमको कोई जानकारी नहीं कि अशोक भैया सविता से प्यार करते थे। कहीं तुम जानबूझ के अनजान बनने की कोशिश तो नहीं कर रहे? आप कहना क्या चाहते हैं सर, हम समझ नहीं पा रहे। कहीं सविता के चक्कर में तुमने ही अपने भाई को रास्ते से तो नहीं हटा दिया? कैसी बात करें सर आप, कल की आई हुई लड़की के चक्कर में अपने भाई को मार देंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता है। चलो मान लिया सविता के लिए तुमने ये सब नहीं किया, लेकिन तुम्हारे पास और भी तो वजह थी अपने भाई को रास्ते से हटाने के लिए। मतलब प्रॉपर्टी, बिजनेस के लिए पैसा, वो भी तो चाहिए था ना तुम्हें। अच्छा ठीक है, चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि पैसे के लिए हमने अपने भाई को मार दिया। मानिए सर, यकीन मत कीजिए इस पर। और मेरे पिताजी, हमको इतना सा भी यकीन नहीं है मेरे ऊपर। वो राह चलते एक भिखारी को सारी प्रॉपर्टी दे देंगे, लेकिन हमको एक ढेला नहीं देंगे। और वैसे भी हमको उनकी प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है सर। तुमको किसमें कितना इंटरेस्ट है वो हम पता लगा लेंगे। फिलहाल तुम जा सकते हो, लेकिन शहर से बाहर मत जाना। बैठो छोड़ देते हैं। अरे बैठो छोड़ देते हैं, खाने जाएंगे तुमको। बैठो। अशोक के कत्ल की गुत्थी उलझती जा रही थी। सवाल अब भी यही था कि एक सीधे साधे दुकानदार की इतनी बेरहमी से हत्या किस वजह से हो सकती है। घर में बलदेव भी शक के घेरे में था। पुलिस घर के अंदर और बाहर के लोगों पर कड़ी नजर रखे हुए थी और पूरी मालूमात हासिल कर रही थी। हमारा यकीन कीजिए साहब, उस दिन हम काम पर ही नहीं गए थे साहब, क्योंकि साहब हम ज्यादा पी रखी थी। रात को जब वहां से लौट रहे थे तो हमने देखा कि दुकान के अंदर की लाइट चालू थी साहब,
तो हम दुकान के भीतर घुस गए और हमने देखा कि साहब हम इतना घबरा गए थे कि हम भागने की सोचे, तभी हमारी नजर साहब गले के चाबी पे पड़ गई। साहब हम लालच में आ गए, गले का सारा पैसा निकाल गए, हमने अपने पास रख लिया था। भाग क्यों रहा था साहब? हम सोचे थे दूसरे दिन काम पर आएंगे, लेकिन आप लोगों को देखकर हिम्मत नहीं हुई साहब, तो वापस चले गए। अशोक ने तुझे मारा था, तू बदला लेने की ताक में था, और मौका मिलते ही तूने अपना बदला भी लिया और उसे लूट भी लिया। साहब अशोक भैया को मैंने नहीं मारा साहब, सिर्फ उनका पैसा लेके भागा हूं साहब। खूब अच्छे से खातिरदारी करो साहब, हमें कुछ नहीं किया साहब। अरे साहब 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 मेरे सर, बलदेव ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है और उसने मुझे धमकी भी दी कि अगर मैंने किसी को बताया तो वो मुझे जान से मार देगा। हम तहकीकात करेंगे, लेकिन अगर आपकी बात झूठ निकली तो आप पे भी कार्रवाई हो सकती है। सर अगर आपको मेरी बात झूठ लग रही है तो आप उसी से पूछ लीजिए। मामा ले गया उसे। यस सर। सर सुनिए, रुकिए एक मिनट। अरे हुआ क्या बताइए तो सही। क्या रे, लड़की को अकेला देख के उसके साथ जबरदस्ती करता है और सोचता है बच जाऊंगा? सर हमने इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की, हमने इसको सिर्फ एक थप्पड़ मारा है बस। ये लड़की झूठ बोल रही है जी, आप तो यकीन कीजिए कम से कम, हमने इसके साथ कुछ भी नहीं किया है। वो हम पता लगा लेंगे, अंदर लेके जाओ इसे। चल सर, चल। सर, सर, एक मिनट, हम हाथ जोड़कर आपसे विनती करते हैं, मेरे बंदे पर कोई केस मत कीजिए, हम आपके सामने वादा करते कि बलदेव और सविता का शादी करा देंगे। बेटा हम पर विश्वास कर, हम तुम्हारा शादी बलदेव से जरूर कराएंगे। सर एक मिनट, हम अपनी कंप्लेंट वापस लेते हैं। क्या मतलब है आप लोगों का? आप लोगों ने पुलिस कंप्लेंट और कोर्ट कचहरी को खेल समझ रखा है, जब जी चाहा केस फाइल कर दिया, जब जी चाहा वापस ले लिया। और हमने तुमसे क्या कहा था, अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो कार्रवाई तुम पे भी होगी। I'm sorry, हमसे गलती हो गई है। दोबारा कुछ उल्टा सीधा किया ना तो जेल में डाल दूंगा। जाइए। तेरे भाई अशोक की अस्थियां भी ठंडी नहीं हुई और ये गुल खिला रहा था तू? अरे पहले ही सबके सामने हमको शर्मिंदा करके रखा है और अब तो किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा हमको। क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए। पुलिस में नहीं आना पहले बता रहे हैं? ये सब तुम्हारे लाड़ प्यार का नतीजा है जो आज हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अगर उस लड़की सविता ने केस वापस नहीं लिया होता ना तो पूरी जिंदगी जेल में सड़ता या नालायक। हमने उसके साथ कुछ नहीं किया बाबू जी, अब आपको कट्टा लाके दे रहे, आप हमको गोली मार दीजिए, हम मर जाएंगे लेकिन उसके साथ शादी नहीं करेंगे। शादी तो तुझे उसी लड़की के साथ में करनी पड़ेगी, और अगर नहीं की ना तो उसी कट्टे से गोली मार देंगे तुझे, बता रहा। आप मार दीजिए हमको लेकिन शादी नहीं करेंगे। क्या कर रहे हैं? अरे उसको समझाओ। एक नंबर की जीती लड़की है वो। सर सर हमने सविता के पड़ोसियों से पूछताछ की और उनका कहना है कि सविता एक जिद्दी किस्म की लड़की है, उसे जो चाहिए होता है वो उसे हासिल करके ही रहती है, और सर सविता के घर वाले पैसे के दम पर उसकी हर जिद को पूरी करते हैं। और हाँ सर, ये बात सच है कि सविता ने बलदेव से शादी करने की जिद पकड़ ली। कहीं ऐसा तो नहीं कि सविता के साथ साथ उसके घर वाले भी उसकी जिद में शामिल हैं? वर्मा इस परिवार पे नजर बनाए रखो। यस सर। शिवा कैसा लग रहा है? इतना बड़ा बिजनेस और संभालने वाला तू अकेला, तू तो एकदम से राजा बन गया। खैर हम यहाँ नेहा के बारे में पूछने आए, ये जिसे तेरी इतनी बातें हुआ करती, बहुत खास है क्या तेरी? शिवा की नेहा से बात होती है? दिखाइए सर। ये तो
मेरी बीवी नेहा का नंबर है। एक्चुअली साहब ये हमारा डाइवोर्स हो चुका है इसके साथ। अरे इसकी बीवी से तू क्यों बात करता है? सर ये कॉल मैंने नहीं की है, अशोक भैया क्या करते थे कॉल? सर चाचा जी को पता ना चले इसलिए वो हमारा फोन ले जाया करते थे कभी कभी। सर कभी कभी अशोक भैया नेहा से मिलने भी जाते थे। नेहा का अशोक से क्या लेने देना था? सर मैंने कई बार अशोक भैया से पूछने की कोशिश की लेकिन वो कुछ नहीं बोलते। इसके आगे की बातें हमें नेहा बताएगी। चलो अशोक से फोन पे आपकी क्या बातें हुआ करती थी? अशोक भैया का कहना था कि बलदेव मुझसे अभी भी उतना ही प्यार करता है और वो चाहते थे कि मैं दोबारा बलदेव के साथ घर पे जाऊं और इस बात के लिए हमारी एक दो बार उनसे मुलाकात भी हुई थी। बलदेव के और आपके तलाक को एक साल हो चुका है, फिर अचानक अशोक के मन में ये बात क्यों आई? अशोक भैया एक लड़की को चाहते थे लेकिन वो लड़की बलदेव से शादी करना चाहते थे। आपके और बलदेव के तलाक का कारण क्या था? सर बलदेव किसी काम का नहीं था। सुनिए जी सर आप बाहर आइए, वो मैं मार्केट आई थी तो सामान खरीदना है, पैसे दे दीजिए ना। अच्छा ठीक है बाबूजी से मांगते हैं। अरे बाबूजी से नहीं। अच्छा भैया भैया से मांगते हैं। क्या कर रहे हैं आप, कब तक ऐसे मांग मांग के जीते रहेंगे? देखिए बहुत हो गया, ये उधारी की जिंदगी अब हमसे नहीं जिया जाता। हम जा रहे अपने बाबा के घर, जब कमाने लग जाइएगा तो हमें आके ले जाइएगा। ना उसने कुछ कमाया और ना ही मुझे लेने आया सर, मैं भी दोबारा उस घर में कभी नहीं गई। फिर बाबूजी ने हमारी दूसरी शादी करवा दी। वर्मा एक तरफ अशोक बलदेव और नेहा को मिलाकर सविता के दिल से बलदेव को निकालना चाहता था, दूसरी तरफ सविता जो बलदेव को हासिल करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। वर्मा इस कहानी में मुझे एक नहीं कई एंगल नजर आ रहे हैं। बन चुका है, चलो खाना खाए। बाबूजी ने खाया? नहीं, तब से ऐसे ही उदास बैठे। कुछ खत्म हो गया सर, बलदेव ने मुझे फोन करके बुलाया था और उसने कहा था कि वो बहुत जल्द मुझसे शादी करने वाला है। मैं कितना खुश थी ये बात सुनकर। खुश तो मैं भी थी सर, बहुत खुश थी। बलदेव ने मुझे भी फोन किया था, वो मुझसे माफी मांगने के लिए आया था, उससे जो भी गलतियां हुई थी उसे उस बात का पछतावा था। लेकिन इसके पहले भी बलदेव ने आपको बहुत कॉल किए थे, इसकी वजह? सर बलदेव मुझे कॉल करके दोबारा एक होने की बात करता था। देखो पुरानी बातों को भूल जाओ, हम जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करेंगे। वो अशोक भैया की इच्छा पूरी करना चाहता था लेकिन मैंने उसे मना कर दिया था क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि मेरे लिए नामुमकिन था, क्योंकि मेरी जिंदगी में सिर्फ पति ही नहीं मेरा एक बच्चा भी था जिसे मुझे संभालना था। संभालना तो मैं चाहती थी बलदेव, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। उसने तो मुझसे माफी भी मांग ली थी लेकिन मैं वो भी नहीं कर सकी। मैंने बहुत सताया बलदेव को, मैंने बहुत परेशान किया। इसका मतलब आपने जो जबरदस्ती का इल्जाम लगाया था बलदेव पर वो झूठा था। मैं जो चाहती हूँ वो हासिल करके ही रहती। अगर मेरे भाई के मर्डर में तेरा जरा सा भी हाथ आया ना तुमको मारने में दीना लगाएंगे भगवान कसम, और तुमको मार के उनको जेल जाने में कोई दिक्कत भी नहीं है, समझे? सविता के खिलाफ शिकायत दर्ज करो। सर ये केस तो सुलझने बजाय उलझते जा रहा है,
अगर सविता नेहा दोनों में से किसी ने बलदेव को नहीं मारा तो फिर बलदेव का खून करेगा कौन? वर्मा, अभी अशोक का केस सॉल्व भी नहीं हुआ था कि बलदेव की भी हत्या हो गई। कोई तो है जो इस घर को टारगेट करे। सविता के दिल में हमेशा से अरमान था कि वो बलदेव से शादी करे। बलदेव के दिल में यह अरमान था कि नेहा उसके पास वापस आ जाए, और अशोक के दिल में यह अरमान था कि सविता उसकी हो जाए। नंद किशोर और सुमित्रा पर दो जवान बेटों की मौत कहर बनकर टूटी। आपको कभी दुख नहीं देंगे बाबू, जो वादा कर तुमको को एक मौका दीजिए बाबू। अगर तू सुधरना चाहता है तो पहले अपनी गलतियां सुधार। सविता के साथ तूने गलत किया, उससे शादी कर ले बेटा, और फिर अशोक की तरह दुकान पर आके बैठ। बलदेव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, बलदेव को भी अशोक की तरह किसी भारी चीज से सर पे मारा गया। सर, बलदेव की बॉडी को रोड साइड से घसीटकर झाड़ियों में ले जाया गया था। अब इतना सब कुछ करना किसी एक आदमी के बस की बात तो है नहीं, तो इससे यह साबित होता है कि बलदेव की मौत में एक से ज्यादा लोगों का हाथ है। आखिर इन दोनों भाइयों की मौत से किसको फायदा हो सकता है? वर्मा, इन दोनों मौतों से सबसे ज्यादा फायदा शिवा को था, क्योंकि सारा का सारा बिजनेस शिवा के नाम पर हो गया। इस केस को सुलझाने के सारे रास्ते शिवा की ओर ले जा रहे। चल शिवा, शुरू हो जाए। अपने पिता की गद्दी हासिल करने के लिए तूने इतना बड़ा खेल खेला था ना? नहीं साहब, चाचा जी ने खुद अपनी मर्जी से हमें दुकान सौंपी थी, हमने कुछ नहीं किया। चाचा के सिवा हमारी जिंदगी में कोई नहीं है, उनको इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकते हम। ये बिजनेस, दुकान सब हमारे अकेले बस की नहीं है। अशोक भैया और बलदेव को मारने का हम सपने में भी नहीं सोच सकते साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब। वर्मा, जहाँ बलदेव की लाश मिली वहाँ वो अपनी बाइक से गया था, इसका मतलब है किसी जानने पहचानने वाले ने उसे वहाँ बुलाया होगा। इस एरिया के एक एक आदमी से पूछताछ करो, कोई तो होगा जिसने कुछ देखा हो। यस सर। बलदेव के कत्ल के बाद पुलिस पूरी शिद्दत से कातिलों के सुराग में जुट गई। पुलिस ने हर एक से पूछताछ की और आखिरकार पुलिस की मदद के लिए एक इंसान आगे आ ही गया। अरे सुनो। हाँ सर। इधर आओ। जी सर। दो दिन पहले इस लड़के को इस एरिया में देखा था किसी के साथ? हाँ सर, हम देखे इसको। किसके साथ? दो लड़का था साथ में, हम जानते नहीं है, लेकिन ये बाइक से जा रहा था और दो लड़का साथ में मिला और ये लोग बातचीत किया और फिर तीनों बाइक से निकल गया। उनके चेहरे याद है तुम्हें? हाँ सर। स्केच बनवा सकते हो? हाँ सर। कैसी? तुम्हारे भाई के लिए लाया था, कल उसका जन्मदिन है ना, तुम अपने हाथ से कर लेना, ठीक है? जानता है इन्हें, ये कौन है? हाँ सर, ये तो कहाँ मिलेंगे? बलदेव और अशोक को क्यों मारा तुम दोनों? लगता है ऐसे नहीं बोलोगे, इनसे जरा अपने तरीके से पूछताछ करो। हमने तो अशोक भैया को गलती से मार दिया साहब। उस दिन रात को अंधेरा था दुकान में, तो हमने बलदेव समझ के अशोक भैया को मार दिया। वो तो हमें सुबह पता चला था कि वो अशोक भैया थे। अशोक तुमसे गलती से मारा गया, लेकिन मौका मिलते ही तुम लोगों ने बलदेव को भी मार दिया। क्या दुश्मनी थी? नहीं साहब, बलदेव भैया को हमने नहीं मारा साहब, और ना ही हमारी उनसे कोई दुश्मनी थी साहब। फिर किसने मारा उसे? ये सब हमने किसी के कहने पे किया था साहब। सर आप लोग ये ठीक नहीं कर रहे हैं, हमने नहीं मारा बलदेव को, हम सच बोल रहे हैं सर। अच्छा, लेके जाओ इन्हें। देख के कुछ याद आया? या तेरी हालत भी इन जैसी करें तो कुछ याद आएगा तुझे? देख, जो मुजरिम अपना जुर्म कबूल नहीं करते ना, उनकी हड्डियों से हम जुर्म कबूल कराते हैं। सर, हमें रविकांत जीजा जी के यहाँ रहना बहुत पसंद है, वो हमें जो पसंद है वो दिलाया करते हैं। उन्होंने हमें बाइक दिलाई, कार चलानी सिखाई,
कभी पैसों की कोई कमी नहीं आने देते, जितना मर्जी मांगो जो मांगो दे देते हैं। अब वो बलदेव जीजा की तरह नहीं थे जो एक चाय तक नहीं पिला सका सर। लेकिन सर एक दिन रविकांत जीजा जी ने मुझसे कहा कि मिलन हमें तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बोलिए ना जीजा जी, क्या बात है? हमें कुछ दिनों से एक बात परेशान किए जा रही है। हमें ये लगता है कि तुम्हारी बहन हमें छोड़कर उस बलदेव भिखारी के पास चली गई। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे सारे ऐशोआराम चले जाएंगे, तुम दोनों फिर से भिखारी बन जाओगे। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है? बलदेव को कैसे मारा? कहा हो गया? अरे अच्छा हो गया आप मुझे, हम आप ही को दूर लेते हैं। भैया मिलन की बाइक खराब हो गई है। कहाँ? वो आप हमारे साथ लो, आपको बता दें। बैठो। अरे यहाँ जंगल में क्या करने आया है वो? चाबी कहाँ है इसकी? कहाँ गया लेकिन? जितना बेवकूफ तू दिखता है ना, उससे कहीं ज्यादा बेवकूफ है। रवि कांदे तुझे इस्तेमाल किया और तू समझ ही नहीं पाया। तूने दो बेगुनाह लोगों की जान ली। बलदेव ने नेहा का ख्याल अपने दिल से निकाल दिया था, वो एक नई जिंदगी जीना चाहता था, तो तूने उससे उसकी जिंदगी छीन ली। अपने स्वार्थ के लिए तूने दो लोगों की जान ली, लेकिन कितने ही लोगों की जिंदगी खराब कर दी। बलदेव और अशोक को तूने जान से मरवाया, लेकिन मिलन की जिंदगी बर्बाद की। अशोक और बलदेव के माँ बाप का बुढ़ापे का सहारा छीन लिया। एक लड़की जो बलदेव से इतना प्यार करती थी, अपने स्वार्थ के लिए उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये सब कुछ किया तूने अपनी खुशी के लिए। सर हमारा ये सब करने का कोई इरादा नहीं था, हमें तो नेहा को खोने का डर सताने लगा था। हमने उसे बलदेव के साथ देख लिया था, नेहा हमें छोड़ के चली जाती तो हमारा और हमारी बेटी का क्या होता? अशोक का इस सब से कोई लेना देना नहीं था। दोहरे कत्ल के साथ एक माता पिता ने अपने बुढ़ापे का सहारा भी गवा दिया। जिस जिद की बदौलत सविता सब कुछ हासिल किया करती थी, आज वही जिद उसके दुख का कारण बनी। मिलन अपने दिल के कई अरमान पूरे करना चाहता था, जिसके लिए उसे अपने जीजा रविकांत की जरूरत थी, लेकिन अब उसके अरमान बस अरमान ही बनकर रह जाएंगे। नेहा रविकांत के परिवार में रस बस चुकी थी, वो किसी भी कीमत पर रविकांत को नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन रविकांत की एक गलत फहमी ने दो जाने ले ली और तीन परिवारों की जिंदगी को बिखेर कर रख दिया। रिश्तों की डोर इतनी कमजोर होती है कि उन्हें अगर जरा सा भी खींचा जाए तो उनके टूटने का डर लगा रहता है। हर रिश्ते की डोर को विश्वास, प्यार और भरोसे के मांझे से मजबूत बनाना होता है, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो रिश्ते को वक्त के साथ साथ मजबूत और गहरा बनाने का काम करती हैं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100.125 को। सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।